अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बेबी फ्रॉक के कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगी जो कि बहुत सिंपल और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये देखिए वाइट कलर का मैं फ्रॉक बनाई हूँ। यहाँ पे जो है कि जिगजैग लेस लगाई हूँ और इसके टॉप पार्ट पे मैं बारीक बारीक पिनटेक्स दे दी हूँ। और इसका देखिए पीछे का जो हिस्सा है हम एकदम सादा ही रखे हैं और यहाँ पर मैं हुक लगा दी हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ बटन भी लगा लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। और ये दूसरा फ्रॉक देखिए मैं रेड कलर का बनाई हूँ। ये मैं बचे हुए कपड़े से बनाई हूँ, इसमें मैं आस्तीन नहीं लगाई हूँ। देखिए ये बीच में ज्वाइंट था, मैं ज्वाइंट करके यहाँ पे ये लेस लगा दी हूँ। और देखिए ये साइड में भी नीचे भी यहाँ पर ज्वाइंट आ रहा था, मैं यहाँ पर भी लेस लगाती हूँ। लेस लगाने से फ्रॉक की खूबसूरती भी बढ़ गई और हमारा जो जॉइंट है वो भी ढक गया। यहाँ पे मैं छोटी छोटी दो पॉकेट लगा दी हूँ और ये लेंथ में 3 इंच के करीब छोटा हो रहा था, तो मैं यहाँ पे जो है कि प्रिंटेड कपड़े की बारीक बारीक प्लेट्स दे करके झालर लगाई हूँ। और ये मैं इसकी शलवार सिली हूँ। देखिए मैं नीचे जो है कि पाइचे पे इसकी भी लेंथ कम हो रही थी, तो मैं यहाँ पाइचे पे पट्टी लगा करके लेस लगा दी हूँ। और इसका बेल्ट है, बेल्ट भी थोड़ा कम था, तो मैं यहाँ पे प्लेन कपड़ा जॉइंट कर दी हूँ। इससे हमारी शलवार भी तैयार हो गई है और ये बहुत प्यारा ड्रेस है। और ये देखिए मैं गरारा सूट बना करके तैयार की हूँ। ये भी मैं बचे हुए कपड़े से बनाई थी, ये मेरे सूट में से बचा हुआ कपड़ा था। और ये देखिए मैं इसका टॉप बनाई हूँ, एकदम सिंपल सा, बस गले पे हल्की सी लेस लगा दी हूँ। और ये इसका गरारा है, गरारे की भी लेंथ कम थी, मैं यहाँ पे 2 इंच जॉइंट कर दी हूँ, जिससे कि हमें जितनी लेंथ चाहिए थी उतना जो है कि बढ़ गया। और यहाँ पे लेस लगा दी हूँ और इससे ये खूबसूरत और प्यारा भी बहुत हो गया है। और ये गरारा पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये गरारा सूट। देखिए ये वाइट वाला फ्रॉक है, ये भी छोटा सा टुकड़ा था जिसे मैं ये 4 साल की बच्ची के लिए बनाई हूँ। यहाँ पे देखिए गले में मैं ये डोरी लगा दी हूँ और ये बीच में जो पट्टी आपको दिख रही है ये यहाँ पे जॉइंट आ रहा था, थोड़ा इस पतला हो रहा था, तो मैं यहाँ पे ये जॉइंट लगा करके पट्टी लगाती हूँ। ऐसे मैं आस्तीन पे भी पट्टी लगाई हूँ और ये नीचे जो बारीक बारीक प्लेट दे करके मैं झालर लगाई। ये शलवार का बचा हुआ कपड़ा था, इतना ही बचा था, इसे मैं ये बनाई हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा जो है कि टॉप बना है, आप इसे अपनी बच्ची को लेगिंग्स या जींस पे इसे पहना सकती हैं, बहुत प्यारा लगता है। और ये देखिए ये जो है कि रेडीमेड स्टाइल में फ्रॉक सिली हूँ और इसकी वीडियो जो है कि मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे इसे देख सकते हैं। और ये देखिए नेवी ब्लू कलर का फ्रॉक है, यहाँ पर नीचे जो है कि मैं जिगजैग लेस लगाई हूँ। इसकी टॉप पार्ट थोड़ा मैं अलग कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बटन लगाई हूँ। यहाँ पे ये टॉप का जो पिछला वाला हिस्सा है इसे हम आगे वाले जो टॉप का हिस्सा है इसे हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। अगर आपको ये फ्रॉक की वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं इस फ्रॉक की वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।